अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब है मेरे किचन में वेलकम। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन अरवी। बड़ा मज़े का बनता है, बड़ा मज़ेदार टेस्टी सा बनता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे। और एक बात कहना चाहूँगी कि जी मेरे चैनल पे नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और पुराने जो हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करते रहें, हौसला अफज़ाई होती है और मैं अच्छा अच्छा काम आपको और करके दिखाऊंगी। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। आधा किलो हमने चिकन ले ली है और दो मीडियम साइज़ के हमने टमाटर ले लिए हैं, दो हमने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, 10 ग्राम दही ले लेंगे, एक खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, आधा खाने का चम्मच गर्म मसाला ले लेंगे, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, एक खाने का चम्मच हम नमक ले लेंगे और एक खाने का चम्मच एक काली मिर्च पाउडर ले लेंगे और धनिया पाउडर ले लेंगे हम एक खाने का चम्मच। ये मसाले हैं परफेक्ट, धनिया और ये अरवी ले लेंगे। ये मैंने एक पाव अरवी ली है क्योंकि हम कम खाते हैं तो इसलिए मैंने कम ली है। और अब हमने हसब ज़रूरत ऑयल डाल दिया, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको जितना पसंद हो आप उतना डालो। तो उसके अंदर हमने प्याज डाल दिए कड़कड़ाने के लिए। ऑयल आप अपने हिसाब से डाला करो, कम या ज़्यादा, हम ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए हम ज़्यादा डालते हैं। डाला है एक कटोरी से थोड़ा कम। तो अब ये मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है और अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं चिकन को लाजमी भूनती हूँ क्योंकि मुझे जो चिकन की स्मेल होती है वो नहीं आनी चाहिए खानों में, तो ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप इस टमाटर डाल दिए ताकि वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और इसके बाद मैं स्पाइस डालूँगी, तो ये काली मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हम, धनिया पाउडर डाल देंगे, ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करके और इसकी अच्छी से बनाई करेंगे। अच्छा, मैंने गरम मसाला इसमें अभी नहीं डाला है क्योंकि मैं अभी डाल दूँगी तो गरम मसाला पक पक के काला हो जाएगा, तो अभी नहीं डालूँगी। तो ये थोड़ा सा मैंने तकरीबन आधा कप जितना पानी डाला है, अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद अभी ये देखें टमाटर प्याज सब सॉफ्ट हो जाएगी, तो अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे और इसी के अंदर अब हम दही भी ऐड करेंगे। तो पहले हम कूट लेते हैं अपने टमाटरों को अच्छे से और उसके बाद अब हम दही ऐड करेंगे इसके अंदर। ये 125 ग्राम दही लिया है, अच्छे से अब दही डाल के दही के साथ हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ज़बरदस्त वाली, और ये मज़े से हम भून लेंगे। तो एक पाव का आधा हम दही कर लेंगे तो वो 125 ग्राम बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो अच्छे से हमने इसको भून लिया है। तो अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए और कवर कर दूँगी क्योंकि मुझे अरवियों को फ्राई करना है, मैं अरवियाँ फ्राई करके डालती हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया, अब इसके अंदर मैं अरवियाँ डाल के और इनको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। गर्म मसाला आपको दिख रहा होगा साइड पर रखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया है। तो अभी ये सारी मैंने जो एक पाव अरवियाँ उनको काट के अच्छे से धो के रख लिया है और ये अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो पहले अरवियाँ काटो तो उसमें हाथों में जलन मच जाती थी, अब नहीं होता। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा आप लोग के साथ भी होता है कि नहीं। तो मुझे अब नहीं लगती है जलन, पहले करते थे तो ज़रूर हाथों में मिर्चें ही लग जाती थी। तो अब ये आप देख सकते हो अरवियों को मैंने फ्राई कर लिया है ऑयल में और अब इसको मैं डाल के साथ ही भून लूँगी ताकि इसकी थोड़ी सी लेस मार लेती हूँ मैं, इसलिए इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं तो बड़ा मज़े का इसकी जो खुशबू है वो आ जाती है। तो अब ये हमारा मसाला भून चुका है, इसके बाद अब मैं इसके अंदर 2 कटोरियां भर के पानी डाल दूँगी, वो इस वजह से ताकि अरवियाँ भी गल जाएँ, थोड़ी चिकन का भी अच्छा सा मसाला बन जाए। और जितना शोरबा हमने रखना है उतना रखेंगे, 20 मिनट तक इसको, 20 से आधे घंटे तक हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। तो जी देखें अभी ये हल्का हल्का मुझे और इसको गाढ़ा करना है, तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हरी मिर्चें, गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको पकाऊंगी। ये आप देख सकते हो फिर थोड़ा सा गाढ़ा होने पर आ जाएगा। तो ये हमारा मज़ेदार सा बन गया है, 5 मिनट मैंने और पकाया है, उसके बाद ये देखें डिश आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ मज़ेदार सा हमारा अरवी चिकन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूला करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर इंशाल्लाह नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।